अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपना रोल नंबर किधर लगाए और किधर से अपना रिज़ल्ट चेक करें। ये 9th क्लास का रिज़ल्ट 2023 का SSC पार्ट 1 है, ठीक है। रिज़ल्ट पाकिस्तान और फैसलाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। तो ये आपके सामने, तो आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान सिस्टम है कि कैसे आपने करना। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। जो फैसलाबाद के बच्चे स्टूडेंट हैं, अपना रोल नंबर चेक करना चाह रहे हैं, तो इससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, आपने पता किधर लगाना, इस जगह पर लगाना, जैसे कि मैंने पहले किसी बच्चे का लगाया हुआ। तो अभी इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इतना है कि किसी का रिजल्ट नहीं शो करना चाहिए। तो आपने इधर लगा के, लगाने के बाद ओके कर देना, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लगाने से नहीं अच्छा लगता। तो मैंने आपको बता दिया, और मैं इसका लिंक जो होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगा। वैसे मैं एक सिंपल सा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, रिज़ल्ट शो भी होता है। तो अभी इधर मैं चेक रिज़ल्ट पर क्लिक करता हूँ। हाँ, एक और चीज़, ये देखें, ये इशू आ रहा है, ये देखें, ऐसा इशू आ रहा है। ये इशू भी मैंने आपसे बात करनी थी इस इशू के बारे में कि सर्विस एडेड इन एप्लीकेशन का भी आ रहा है इशू, कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे ना चेक कर लें, चेक कर रहे थे, इस वजह से ये इशू आ रहा। उनका ना जावास्क्रिप्ट का कोई इशू है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट वो ना अच्छे तरीके से मेंशन नहीं हो रहा, वो आगे ये एडेड सर्विस का आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे इस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपना रिज़ल्ट। तो आपने क्या करना है इसमें, सिंपल आपने कर देना, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन छोटी करने लगा, मेरे डेस्कटॉप साइट थी तो अभी मैंने छोटी कर दी है, ठीक है। जैसे ही मैंने स्क्रीन छोटी की है, और उसके बाद ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने। अभी आपने क्या करना है, सिंपल करना, ऊपर करना, ये देखे रोल नंबर आ गए। इधर आपने रोल नंबर अपना देना, जैसे कि मैं एक पहले भी आपको बताया कि एक बच्चे का मेरे पास रोल नंबर था। तो अभी मैं फिर क्लिक करता हूँ इधर, तो इधर आपके सामने मेंशन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। तो सर्विस का इशू आ रहा है, तो इसकी टेंशन ना लें। जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो ये जो सर्विस का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा मेरा भाई, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अभी मैं दोबारा फिर रीसेट करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने निकाला है, पहले 2-3 दफ़ा ऐसे सर्विस का इशू आया, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। तो मैंने उसका रिजल्ट बच्चे का निकाल के दिया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ना पता चले कि आपको भी ऐसा इशू आ रहा हो और आप कह रहे हो कि पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो अगर सर्विस का इशू आ जाए तो कोई मसला नहीं, आपने रीसेट कर लेना। रीसेट करने के बाद फिर इधर आपने रोल नंबर लगा देना, ठीक है। तो ऐसे लगाते रहना कि आपको ना नीचे, जैसे सर्विस ठीक हो जाएगी तो आपको नीचे शो होना स्टार्ट कर देगा। तो अभी भी इशू आ रहा है सर्विस का, तो अभी फिर मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। मुश्किल नहीं, आपने सिर्फ रीसेट करते रहना, सर्विस का इशू है और इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इधर से मैंने निकाला, और मैंने काफ़ी को निकाल के दिया, लेकिन इस सर्विस के इशू की वजह से काफ़ी बच्चे हैं जो ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। 9th क्लास के जो रिज़ल्ट का बच्चा है ना, वो काफ़ी परेशान है कि पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। तो उनके जो सर्विस का इशू है कुछ, तो इसमें आप टेंशन ना लिया करें। तो जैसे ही इधर ओपन होता है, ठीक है, रिज़ल्ट आता है, तो आपको शो हो जाएगा। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया, तो ये देखिए अभी इशू आ रहा है। तो एक मिनट वेट करो, जैसे ये शो होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा रीसेट करके, या फिर मैं जो मैंने जो पहले बच्चे को निकाल के दिया तो उसका भी चेक करवा देता हूँ। तो इसका इशू नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह मेंशन हो जाएगा, जैसे कि ये देखें रोल नंबर इसका लगाया मैंने, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में चेक कर लेना, ये रोल नंबर, ये वही नंबर है। तो ये सादिया अकरम का रोल नंबर है, ठीक है। तो ये देखें इसके नीचे जो सारी इंफॉर्मेशन,
कि उर्दू में से 75 में से 45 आए, इसकी इंग्लिश में से 75 में 44 और टोटली जो है 362 नंबर आए। ठीक है, तो ऐसे ही आपके नंबर शो होंगे। ठीक है, जैसे ही आप रोल नंबर लगाओगे तो ऐसे ही आपके शो हो जाएंगे नंबर। तो काफ़ी आसान तरीका है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ आपने गूगल में कैसे, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा उसी आपने कॉपी करके कैसे गूगल के अंदर एंटर करना, या फिर उधर से क्लिक कर देना डिस्क्रिप्शन से, तो वो डायरेक्ट ही इसी वेबसाइट पे आ जाएगा। सिर्फ आप रोल नंबर आपने लिखना है और आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको ओपन करने का भी तरीका बता देता हूँ। इधर से आपने गूगल को क्लिक करना, क्लिक करने के बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो के आपने इधर लगा देना, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आप ऐसे आ जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने इधर आना तो आपने नीचे करना, नीचे करने के बाद इधर आपने अपना रोल नंबर देना, रोल नंबर देने के बाद आपने ओके कर देना। लेकिन कुछ एडेड और एप्लीकेशन में इशू आ रहे, लेकिन आपने बार बार इसे रीसेट करते रहना जिसकी वजह से वो इशू नहीं आएंगे। तो आपको रिज़ल्ट भी चेक करवा दिए, काफ़ी आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकती हो। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अगली न्यू वीडियो में आपके साथ हाज़िर हो जाऊँगा। ओके।